अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल RPSC A to Z पर। दोस्तों, डेढ़ बज चुके हैं और कोर्ट का समय है वो अप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं 102 नंबर तक ही केसेस की सुनवाई हो पाई और रिट लेवल सेकंड का केस 110 नंबर पर था। आज भी हमारे केस की सुनवाई नहीं हो पाई है और खबर ये आ रही है कि अब अगली जो डेट मिली है वो 3 जुलाई की है। सरकार ने 3 जुलाई की नेक्स्ट डेट ली है और 21 जून की भी बात है कि 21 जून की, इन दोनों डेट्स में से कोई डेट है ऑफिशियल नहीं है। मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ आते ही कंफर्म कर दूंगा, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई। आज मेन केसेज से केस की शुरुआत हुई थी और हमारा केस सप्लीमेंट्री केसेज में था। दोस्तों, आप कमलेश मीणा को गाली दोगे या सरकार को गाली दोगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। रीट के भरोसे आप अब मत बैठे रहिए, आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। अब यह भर्ती सरकार भरोसे और भगवान भरोसे है। सरकार अगर चाहेगी, सरकार की अगर मंशा होगी तो इसको कंप्लीट कराया जाएगा। हमारा केस आज मेंशन तो हुआ था, इसका मतलब है कि जज साहब के सामने केस जरूर गया था, मगर बाकी केसेज इतने ज़्यादा थे कि हमारे केस तक नंबर ही नहीं आया। और मैंने कल आपको बताया भी था कि कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि केस का नंबर आए और सुनवाई हो। इस बात पर आपसे बहुत से लोग थे जिन्होंने मेरे को कहा कि तुम नेगेटिव बात कर रहे हो और उल्टे सीधे कमेंट भी किए, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, जो हकीकत है वो है और आज आपको पता चल गया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप रीट लेवल 2 पे अटक के ना रहिए, आप अपनी आगे की जो भी तैयारी है वो कीजिए। इसका फैसला जब आना होगा आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।